आमिर खान ने किरण राव के संग तलाक पर 8 महीने बाद तोड़ी चुप्पी। अब बताई अलग होने की असली वजह। आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर ने सबको हिला कर रख दिया था। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों का रिश्ता इस मोड़ पर आकर कैसे खड़ा हो गया कि दोनों को तलाक लेने का फैसला लेना पड़ा। उस वक्त इन दोनों के तलाक की कई वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब सभी वजहों पर विराम लगाते हुए आमिर खान ने अपनी तलाक पर चुप्पी तोड़ी है। 8 महीने बाद आमिर खान ने अपने और किरण के तलाक की असली वजह का खुलासा किया है। आमिर खान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए तलाक से जुड़े हुए कई खुलासे किए। आमिर खान ने कहा, वो मुझसे कहती थी कि एक परिवार के तौर पर हम कुछ डिस्कस भी कर रहे होते तो मैं कहीं और ही खोया रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलग इंसान हूँ। इसके बाद किरण जी ने मुझसे कहा था कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम बदलो, क्योंकि अगर तुम बदले तो फिर वो इंसान नहीं रहोगे जिससे मुझे प्यार हुआ था। मुझे तुम्हारे दिमाग और पर्सनैलिटी से प्यार है, इसलिए नहीं चाहती कि तुम कभी बदलो। आमिर खान ने आगे कहा कि 7 साल पहले की गई बातों पर आज मैं सोचता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने बीते 6-7 महीनों में खुद में काफी बदलाव देखा है। एक्टर से जब पूछा गया कि उनके तलाक के पीछे की यही वजह है तो एक्टर ने कहा, किरण जी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग हमारी इक्वेशन को नहीं समझते हैं, लोगों के लिए समझना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस तरह का बंधन नहीं देखते, खास तौर पर उन शादीशुदा लोगों के बीच जो अलग हो जाते हैं। इंटरव्यू में आमिर खान ने ये भी बताया कि किरण और उनका तलाक किसी और रिलेशनशिप की वजह से नहीं हुआ। बीते वक्त से ऐसी खबरें आ रही थी कि आमिर और फातिमा सना एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसी वजह से आमिर और किरण अलग हुए। लेकिन आमिर ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ना तो उस वक्त कोई रिलेशनशिप था और ना ही अब है। आपको बता दें कि हाल ही में 14 मार्च को आमिर खान ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और फैंस ने उनको ढेरों बधाइयां भी दी हैं। 43 की उम्र में कनिका कपूर कर रही हैं दूसरी शादी। मई में NRI बिजनेसमैन के साथ लेंगी फेरे। बेबी डॉल फेम सिंगर कनिका कपूर दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनिका इस साल मई में एक NRI बिजनेसमैन के संग 7 फेरे लेने वाली हैं। हालांकि उनकी शादी की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस खबर से कनिका के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। कनिका गौतम नाम के एक NRI बिजनेसमैन के साथ मई में शादी करने वाली हैं। कनिका और गौतम एक दूसरे को पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों लंदन में शादी करेंगे। वहीं इस बारे में जब कनिका से बात की गई तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और ना ही इससे इनकार किया। कनिका ने कहा, माफ कीजिएगा, नो कमेंट्स। कनिका की बात करें तो उन्होंने महज 18 साल की उम्र में NRI बिजनेसमैन राज चंडोक से शादी की थी। कनिका और राज के 3 बच्चे अयाना, समारा और युवराज हैं। कनिका का जन्म और परवरिश लखनऊ में हुई है, मगर साल 1997 में शादी के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई थी। 12 साल तक सब ठीक रहने के बाद अचानक उनके हस्बैंड से उनके झगड़े होने लगे। रिश्ते में कड़वाहट आ जाने के बाद साल 2010 में कनिका हस्बैंड का घर छोड़कर वापस लखनऊ आ गई थी। फिर 2012 में उन्होंने राज से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद कनिका अपने म्यूजिक करियर को संवारने के लिए मुंबई आ गई, जहां उन्हें पहली बार जुगनी जी गाने में आवाज देने का मौका मिला। साल 2014 में कनिका ने सनी लियोने पर फिल्माए गए सॉन्ग बेबी डॉल को भी आवाज दी और बेबी डॉल गाना रिलीज होते ही एक बड़ा हिट साबित हुआ। अपने डेब्यू सॉन्ग से ही कनिका काफी पॉपुलर हो गई और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला। पहले हिट के बाद कनिका ने चिट्टियां कलाइयां और देसी लुक जैसे कई हिट गाने बॉलीवुड को दिए हैं। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करिश्मा और करीना, मासी करिश्मा ने जय पर यूं लुटाया प्यार। करिश्मा कपूर और करीना कपूर बॉलीवुड की सबसे चर्चित बहनों में से एक हैं। दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है और दोनों अक्सर एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी देखी जाती हैं। अक्सर दोनों एक दूसरे के घर में पार्टी टाइम भी एंजॉय करती है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर न केवल एक दूसरे के लिए अच्छी बहनें हैं, बल्कि एक दूसरे के बच्चों पर काफी प्यार भी लुटाती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें, हाल फिलहाल में दोनों बहनें बच्चों के साथ स्पॉट हुई। उन्हें तैमूर और जे के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। फोटो में करीना कैजुअल आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने पाजामा के साथ कंफर्टेबल टी शर्ट पहनी थी, साथ ही उन्होंने व्हाइट स्नीकर और कैप के साथ अपने लुक को भी कंप्लीट किया था। वहीं कार से बाहर निकलते हुए करीना जे को अपनी गोद में लिए हुए थी। पटौदी का छोटा राजकुमार अपनी सफेद टी शर्ट, नीली शॉर्ट्स और टोपी में बेहद प्यारा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर तैमूर को भी उनके टी शर्ट और टाई पजामा में देखा गया। करीना की तरह
था वो भी काले रंग के आउटफिट में नजर आए। बेबो के साथ करिश्मा भी नजर आई, वो अपने व्हाइट आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थी और जेही के गालों में प्यार करती हुई भी वो नजर आई। वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना अगली बार आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में दिखाई देंगी। फिल्म थ्री इडियट्स और तलाश के बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ उनकी ये तीसरी फिल्म है जिसमें नागा चैतन्य भी नजर आएंगे और ये फिल्म इस साल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है।